अब घर का खाना खा खा के आप बाहर का खाना खाने के लिए तरस गए होंगे ना। ये देखिए, ये बिग बॉस के घर में ये सब मिलेगा। ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज एक्चुअली खाने का काम फॉर बिग बॉस। अब जिनको स्पा जाने की आदत है, आपने स्पा जाने का मजा कब लिया था लास्ट? ये देखिए, देखा स्पा भी है। पॉपकॉर्न समोसा खाते खाते थिएटर में फिल्म कब देखी थी आपने? फरवरी मार्च में। ये देखिए, थिएटर भी है बिग बॉस के घर में इस बार। हाउ कूल। और पिछली बार आपने दिल खोलकर शॉपिंग कब की थी? याद नहीं ना? ये देखिए, क्या मॉल है। इन दिनों जो प्रोमोज आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, उन्होंने सबको एकदम क्यूरियस कर दिया है एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं, गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, ये एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं? लोग क्यूरियस होके मुझे फ्यूरियस कर रहे हैं। Because they're calling me up to find out what's happening. और कलर्स वालों से मैं पूछ नहीं रहा हूं और वो मुझे बता भी नहीं रहे, तो डायरेक्टली हम इन तीनों से ही पता कर लेते हैं। लेट मी मेक देम ज्वाइन दिस पार्टी। हिना, गौहर एंड सिद्धार्थ। हाय। हेलो सर। हाय सलमान, हाउ आर यू? अरे वाह, यू गाइस आर लुकिंग बेटर एंड बेटर। हाय गौहर, हिना, सिद्धार्थ। तो सबसे पहले और फ्रैंकली कौन बताएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस? बिग बॉस 14 में अब आप लोगों का क्या काम है? हमारा बहुत सारा काम है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। बट काम क्या है? फॉर नाउ स्टे काम एंड वेट फॉर आवर काम। गौहर, चलिए आप बताइए हमें, अभी आप प्रोमो में आए हो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हो, अब क्या वापस से घर के अंदर भी जाओगी? आएंगे या नहीं आएंगे इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सबर का फल जरूर मीठा होगा। एंड एनीवे इट्स पे बैक टाइम, क्योंकि आज तक आपने हमें हमेशा सस्पेंस में रखा है। सो नाउ इट्स योर टर्न। नॉर्मली मैं वीकेंड का वार करता हूँ, लेकिन कमाल हो गया कि आप लोग आज मुझ पर सस्पेंस का वार कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस किसी और शहर में होम क्वारंटीन हो गए हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और आप लोग टेक ओवर कर रहे हो? सलमान सर, तो सीजन का नाम बिग बॉस 14 है, तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस तो अपनी जगह पर सलामत होंगे, लेकिन अब हम आए हैं तो जरूर कुछ तूफान तो लाएंगे। That's right. पहले हफ्तों में बहुत खलबली और बहुत सनसनी होने वाली है। जी हाँ, 100% entertainment की 100% guarantee हम तीनों दे सकते हैं। क्योंकि इस बार पहले हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक इन दी हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। क्या आप लोग कंटेस्टेंट बनकर कमबैक कर रहे हो ताकि इस टाइम के कंटेस्टेंट्स को आप टफ फाइट दे सके? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। थैंक यू, आप लोगों ने कुछ ना बताते हुए कुछ ना बताया। अब तो आपने सबको और भी सस्पेंस में डाल दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज वेट टिल 3rd ऑफ अक्टूबर। बहुत मजा आने वाला है अक्टूबर 3rd। तो ऑडियंसेस जो आज देख रहे हैं बिग बॉस के फैंस, अक्टूबर 3rd को आपको पता चल जाएगा कि सेठ, हिना और गौहर क्या करने वाले हैं। सो हिना, गौहर और सिद्धार्थ होने वाले हैं बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा। कैसे? वो थोड़ा सा सस्पेंस है।